गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? और मैंने चालू किया एक नया रेस्टोरेंट। क्या बोला तूने? रोब्लॉक्स में। और यहाँ पे मैं नए लोगों को आएंगे भैया, एक जाती बॉडी बिल्डर आ रहे हैं, तो फिर ऐसे ही कुछ लोग आएंगे और यहाँ पे बैठेंगे। फिलहाल मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मेरे पास दो टेबल हैं, एक ये रही और एक पीछे है ये रही। इनको कुछ सामान चाहिए तो फिर इनके जो ऑर्डर है उस पर क्लिक करूँगा मैं और जाके इनको सामान दे दूँगा। फिलहाल मैं वेटर का काम भी खुद ही करूँगा और शेफ़ का काम भी खुद ही करूँगा। शेफ़ मैंने खरीद के रखा है पहले से ही, लेकिन ये शेफ़ कुछ बनाने नहीं वाला जब तक ये लेवल 1 का नहीं हो जाता है। अब ये लेवल 0 का है, ट्रेनिंग शेफ लिखा है ना वहाँ पे। अभी मैं इसके सामने खाना पीना बनाऊँगा, कुछ खिलाऊँगा लोगों को, तब ये हम मेरे जैसा लेवल का बनेगा। तो फिर वहाँ पे बंदा आया, उसको पहले मैं बिठा के आता हूँ अपनी जगह पे, फिर ये खाना पीना देता हूँ इनको। लियो भाई लियो, सब लोग आराम से खाओ, बेझिझक खाओ। और यहाँ पे भाई तू भी ले ले उसको, फिर बाद में बिठाऊँगा मैं। अब चलो उन दोनों को भी बिठा लेते हैं, फिर बाकी का आगे का काम करेंगे अपन दोनों। सॉरी मतलब मैं, आप तो सिर्फ देखोगे, अपन दोनों क्यों? फिर आ जाओ भाई, इधर बैठ जाओ, खाली सीट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं आ रहे क्या आज? ओए नूबलो लोग, शायद वो नहीं आ रहा आज भाई, आ जाओ ना। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे भाई। चलो जान दो उनको। अपन लोग भाई ये रेस्टोरेंट को बहुत बड़ा बनाने वाले हैं भाई, सीरियसली। पैसा 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 पैसा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, मेरी पहली कमाई। आ जाओ इधर, आ जाओ, कम से कम इधर तो बैठे। अच्छा आई थिंक वो कुछ अलग ही टाइप से बैठेंगे, चलो बाद में देखेंगे उनका, बाकी सबका भी बाद में देखेंगे, सबका बाद में देखेंगे। तो फिर मैं आपको अपना प्लान बता देता हूँ। पहले मैं इसको कुछ इस टाइप का बनाऊंगा कि बहुत खतरनाक बनाऊंगा। शर्म करो, भगवान से डरो। इसमें जगह खरीदूंगा, ये खरीदूंगा। अच्छा ऐसे बिठाते हैं क्या? तो मैंने पिछले वालों को कैसे बिठाया था? शायद ऐसे ही बिठाया था। तुम भी आ जाओ इधर बैठ जाओ। वो जो बात कहते हैं ना, उनके उधर क्लिक करना है और फिर टेबल क्लिक करना। वाह दीदी वाह दीदी। तब बैठते हैं लोग। चलो ठीक है, ऑर्डर तो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। भाई तू भी कुछ सीख जा यार, तब से ट्रेनिंग शेफ बना रखा है। और हाँ, मैं जो प्लान है, मैं आपको प्लान बता रहा था अभी। बस भैया बस, मुझे मुक्ति दे दो। तो प्लान ये है कि हम लोग बहुत आगे तक ये रेस्टोरेंट को बनाएंगे, कार्ड पेमेंट वगैरह सारी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी पैसा नहीं है अपने पास इतना ज़्यादा। तो जब पैसा आएगा तब ये सारे काम करेंगे। फिलहाल तो अपन लोग पैसा कमाने के तरीके इस्तेमाल करेंगे जो हैं ये पागल से लोग। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता। मैं मांगते रहते हैं इनको, खाली सीट दिख जाए तो भी ये बैठते नहीं हैं। पगले से लोग, बहुत ज़्यादा पगले हैं आई नो। एंड आगे अपना रेस्टोरेंट बहुत आगे बढ़ने वाला है जल्दी ही, आप विश्वास करो मेरे ऊपर। जब तक आप एंड तक वीडियो के आओगे तब तक हम लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे। ओके और हाँ, अगला इसका का पार्ट 2 भी आपको चाहिए होगा तो आप बताना, मुझे पर्सनली तो नहीं लेकिन इस कमेंट सेक्शन में बताना इस वीडियो के। तो इसके अब पार्ट 2 भी मैं आपके लिए बेशक लाऊंगा, भले कोई एक बंदा भी कमेंट कर दे तो इसका पार्ट 2 आएगा। अगर एक भी कमेंट नहीं आया तो इसका पार्ट 2 नहीं आने वाला है, सिंपल। ओके तो चलो, अब तो ये बावल जी काम करने लग गया है मेरा, बहुत अच्छी बात है। मुझे मेरे दिल को बहुत खुशी मिली है ये चीज़ देख के कि ये भी कुछ कर सकता है काम। नहीं तो मुझे लग रहा था मैंने इसके ऊपर 200 रुपये फालतू में खर्च कर दिए, लेकिन नहीं, मैंने फालतू में खर्च नहीं किए, अब ये काम कर रहा है चालू। फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक टेबल लगा देता हूँ, जिस यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, एक टेबल लगा के बढ़िया, उधर भी लोग फिर बैठ पाएंगे। और इस पूरी जगह टेबल ही टेबल से भर दूंगा मैं, मेरी गारंटी है, टेबल पूरे में पूरे भर दूंगा, टेबल ही टेबल भर दूंगा भाई। बस ठीक है ओके, टेबल ही टेबल भर दूंगा। और फिर यहाँ पे अपन लोग करेंगे मज़े, क्योंकि तब ज़्यादा बंदे आएंगे, जितने टेबल होंगे उतने ज़्यादा बंदे आएंगे ऑब्वियसली। और जब बंदे ज़्यादा आएंगे तो फिर पैसा भी ज़्यादा आएगा, और पैसा ज़्यादा आएगा तो फिर अपना फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा। तो देखो गाइस, सॉरी मतलब सुनो गाइस, ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए अब बोलोगे पार्ट 2 भी लाना है। जैसा कि मैंने कहा था, कोई एक बंदा भी बोल दे तो फिर मैं पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा, और कोई एक बंदा भी नहीं बोलेगा तो फिर मैं पार्ट 2 नहीं लाने वाला। पार्ट 1 में हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन पार्ट 2 में ज़रूर करेंगे, और अगर हो सका तो पार्ट 3 भी लाएंगे शायद। ठीक है, शायद से कह रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि पार्ट 3 भी लाएंगे। तो फिर गाइस सब कुछ आपके ऊपर ही है, पार्ट 2 चाहिए होगा, आप तो चाहो तो पार्ट 4 भी ला सकते हो अगर आप कहोगे तो। अब चलो ये बातें छोड़ते हैं, जल्दी से टेबल वगैरह भी रख लूँ मैं,
ज़्यादा लोग आ पाएंगे, ज़्यादा लोग खा पाएंगे, ज़्यादा लोग बैठ पाएंगे, लेकिन अभी पैसे नहीं हो रहे हैं इतने, नहीं तो कब के रख लेता मैं। देखूँ ज़रा पैसे हैं कि नहीं मेरे पास, टेबल्स में जाके देखता हूँ। 50 रुपये की, 50 रुपये की तो आई थिंक मैं रख सकता हूँ ना। पैसे कहाँ दिखते हैं, दिख रहे हैं क्या मेरे को? तुम नहीं दिख रहे पैसे, मुझे नहीं पता कहाँ से दिखते हैं। और शायद ये कलर फ्री में हो जाते हैं क्या? फ्री में हो जाते हैं तो भाई कर दूँ मैं, आई थिंक फ्री में नहीं होते हैं। ओ ओ भाई भाई हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, क्रीमी हो रहे हैं, रेड ज़्यादा अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये क्या बोलते हैं, फ्लोर को तो मैं पूरा ब्लैक कर देता हूँ भाई, पूरा ब्लैक। और ये अच्छा, इन सब को ही मूव कर सकते हैं जो ऑलरेडी रखे हुए हैं ये सब। सही है, चलो अब जो काम पे ध्यान दे लेते हैं। अभी पहले तो मैं वेटर खरीदूँगा, एक नया वेटर, उसके बाद सारी वैसी चीज़ें, मतलब टेबल वगैरह। पहले वेटर, पहले लोग भी तो होने चाहिए ना इतने कि इतने सारी भीड़ को संभाल पाएँ। सही बात है ना, इसलिए कोई भी पहले वेबसाइट बनाता है तो फिर ऐसी बनाता है कि भीड़ को संभाल पाए वो वेबसाइट। ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं बनती, ठीक है। मन कर रहा है भाई मैं कहीं बाहर जाऊँ, घूमने जाऊँ, लेकिन नहीं यार। ओ VIP कस्टमर जी यहाँ पे बैठी है, आ जाइए। VIP कस्टमर भाई काफ़ी सारा पैसा छोड़ के जाएगा, आई थिंक ठीक है, काफ़ी सारा पैसा छोड़ के जाएगा। और मेरा 1 डे पूरा कंप्लीट हो चुका है, यस। अब मैं नहीं डिश खोल पाऊँगा, और मैं डिश खोलूँगा ब्रिटिश फूड, क्योंकि ज़्यादा बिचता है अपनी दुकान में, मतलब अपने रेस्टोरेंट में ज़्यादा बिचता है ब्रिटिश फूड, तो फिर ब्रिटिश फूड ही अपन लोग लेंगे। पहले तो VIP कस्टमर पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा भाई, नहीं तो VIP कस्टमर बुरा मान जाएगा बेचारा। और एक बार VIP कस्टमर बुरा मान गया तो पैसे नहीं दे। आई एम सो सॉरी गाइस यार, मैं आपको अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास अच्छी इक्विपमेंट नहीं है, बिहाइंड द सीन आप नहीं जानते हो अभी क्या चल रहा है। लेकिन यार प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक सब्सक्राइब करो, पार्ट 2 इसका लाऊंगा ज़रूर। बाय।